उर्फी जावेद के फैशन सेंस और उनके बिंदास बोल से अभी तक हर कोई वाकिफ हो चुका है। उर्फी कभी अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटती और हाल ही में उर्फी जावेद चेतन भगत पर भड़क पड़ी, जिसकी वजह थी लेखक पर उन पर दिया गया बयान, जिसमें उनका कहना था कि उर्फी युवाओं को बिगाड़ रही है। और चेतन भगत का ये बयान उर्फी जावेद को बिल्कुल भी रास नहीं आया और उन्होंने लेखक पर सोशल मीडिया के जरिए खूब भड़ास निकाली, जिस पर अब चेतन भगत ने भी रिएक्ट किया है। चेतन भगत ने ट्वीट करते हुए उर्फी जावेद के बयान पर रिएक्शन दिया है। चेतन भगत ने अपने ट्वीट में लिखा, मैंने कभी किसी से बात नहीं की, चैट नहीं की, मुलाकात जान पहचान नहीं की। जहां ये फैलाया जा रहा है कि मैंने ऐसा किया है, ये झूठ है। किसी की आलोचना नहीं की है और मुझे ये भी लगता है कि लोगों को इंस्टाग्राम पर समय बर्बाद करने से रोकने और फिटनेस और करियर पर ध्यान देने में कुछ गलत नहीं है। हालांकि अपने ट्वीट में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा, पर आपको बता दें हाल ही में चेतन भगत ने एक इवेंट में उर्फी जावेद को लेकर कहा था कि युवा आज उर्फी जावेद के ही वीडियो देख रही है, फोटो लाइक कर रही है। इंटरव्यू से जाने के बाद बोला जाएगा, उर्फी की ड्रेसेस के बारे में पता है। लेकिन यहाँ उर्फी गलत नहीं है, वो तो अपना करियर बना रही है, लेकिन लोग बिस्तर में घुसकर उर्फी की फोटोज देख रही हैं। मैं भी आज उर्फी की सभी फोटोज देख कर आया हूँ। इस पर बढ़ावा देते हुए उर्फी जावेद ने लिखा, तुम्हारी जैसी मानसिकता के लोग बलात्कार के कल्चर को बढ़ावा दे रही है, ये बंद करो। आदमी गलती करते रहे और औरत को उसका दोषी ठहराया जाए, ये तो 80 के दशक की बात हो गई मिस्टर चेतन भगत। रही बात यूथ को बिगाड़ने की, तो तुम जैसे लोग यूथ को ये सिखा रहे हैं कि अपनी गलती को कैसे किसी दूसरे पर थोपा जाए। युवाओं को तुम गुमराह कर रहे हो, ना कि मैं। तो उर्फी ने तो चेतन भगत को कुछ इस तरीके से जवाब दे दिया है और इस पर सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें NBT एंटरटेनमेंट।